हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में। अब जेई मेन एग्जामिनेशन जो अप्रैल वाली है वह बहुत नजदीक है, लगभग 40 दिन बचे हैं, और इन 40 दिनों में कैसी तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, इस पे आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चाहे आप बेशक पूरे 2 साल कितने भी पढ़े हों, कितने भी अच्छी तैयारी की हो, लेकिन आखिरी के एक महीने में आप किस प्रकार से पढ़ते हैं, रिजल्ट और रैंक लाने के लिए ये बहुत मायने रखता है। सो लेट मी डिस्कस द स्ट्रेटजी व्हिच यू शुड अडॉप्ट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन अप्रैल 2020। सो इट विल बेटर टू डिसाइड दैट व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। तो ये अगर हम जान जाएं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस आखिरी के महीने में, तो हमारी तैयारी जो है, स्टूडेंट्स की जो तैयारी है वो अधिकतम नंबर लाने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट आर द क्वेश्चन पेपर क्राइटेरिया व्हिच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन अप्रैल 2020। ये हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अप्रैल 2020 में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो क्वेश्चन पेपर जो जनवरी में आए थे बिल्कुल वैसे ही आएंगे, क्योंकि दोनों को मिला करके रिजल्ट होना है। तो ऐसा नहीं है कि जनवरी में कुछ और आया और अप्रैल में कोई और लेवल आएगा। दोनों ही साल पेपर, दोनों ही एग्जाम में पेपर ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि क्यों ना हम जनवरी में जो पेपर आया उसको पहले डिस्कस कर ले, उसकी स्ट्रेटजी देख ले, उसकी परफॉर्मा देख ले, उसके पैटर्न देख ले, फिर अपनी टारगेट फिक्स करें। तो पिछले साल के पेपर के मुकाबले इस साल पेपर थोड़ा सा मॉडरेट रहा, यानी पिछले साल जो बहुत इजी कह रहे थे सब, उससे थोड़ा सा पेपर इस साल मुश्किल आ रहा है। पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए और क्या है ये हम देखें, और उसके आधार पर हम अपनी स्ट्रेटजी सेट करेंगे कि आने वाले समय में हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो किया तो आपके मार्क्स में 20-30% की ग्रोथ निश्चित रूप से होगी। और ये स्ट्रेटजी क्या है उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले, उसके बाद हम टारगेट एरिया बताएंगे, टारगेट एरिया कैसे फिक्स करें, और उसके बाद ये बात होगी कि जो बेसिकली हमारा निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग आपको जैसे पता है कि सिलेक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे मिनिमाइज किया जाए, इस बात पे भी चर्चा होगी। तो ये पहले हम, वैसे तो सारे पेपर की एनालिसिस हम लोगों ने किया है, लेकिन हम आपको दो पेपर की जो हुआ था 7 तारीख को, Shift 1 और Shift 2, उसकी एनालिसिस पहले करते हैं, और उसके आधार पे कंपैरिजन आप देख पाएंगे, और उसी के जैसा लगभग लगभग सारे पेपर आए थे। किसी दिन थोड़ा मुश्किल था कोई सेगमेंट, किसी दिन थोड़ा आसान था सेगमेंट, बट दो का कंपैरिजन करने से आपको पता चल जाएगा कि पेपर किस तरह से आया था और किस तरह से आने वाला है, ये भी स्ट्रेटजी आपको देख करके पता चल जाएगा। तो देखिए कि शिफ्ट वन में ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये शिफ्ट वन का है, और शिफ्ट वन में यहाँ पर जो आए हैं क्वेश्चंस वो केमिस्ट्री में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास 11th के 11 क्वेश्चन थे, 12th के 14 क्वेश्चन थे, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि इस साल से आ रहा है, और मैथमेटिक्स के 11 और 11th के और 14 12th के थे। इसी तरह से फिजिक्स में 12th के 13 और 11th के 12 थे। कुल मिला जुला के ये देख के पता चल रहा है कि 11 से 12 क्वेश्चन 11th से पूछे जा रहे हैं और 13 से 14 क्वेश्चन 12th से पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 11th का वेटेज 44% से 48% के आसपास है, जबकि 12th का वेटेज 52% से 56% के आसपास है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो दूसरी शिफ्ट में भी लगभग लगभग यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11, 14, 12, 13, बस मैथमेटिक्स में एक फर्क है 12 और 13 का, और फिजिक्स में भी 12 और 13 वैसे ही है। तो एक क्वेश्चन ज्यादा या कम हो सकते हैं किसी सेगमेंट में, किसी शिफ्ट में, और बाकी जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा।
आपको ये पता चल गया सबसे पहले कि पेपर किस प्रकार का आएगा और पेपर में क्या होना चाहिए। 11th का वेटेज थोड़ा कम है, 12th का वेटेज ज्यादा है। ये आपके लिए भी बेहतर है क्योंकि आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो 12th की तैयारी आप कर ही रहे होंगे और 12th की तैयारी करने की वजह से आप 12th पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे और 11th पे थोड़ा कम फोकस कर रहे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तो 12th की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, और ये है शिफ्ट 1 की, ये शिफ्ट 2 की, ये कितने किसके क्वेश्चंस आए, तो आधे से थोड़े ज्यादा 12th के पार्ट हैं और आधे से थोड़े कम 11th के पार्ट हैं। अगर इजी और डिफिकल्ट लेवल, मीडियम मॉडरेट लेवल की बात करें तो पेपर 1 जो था वो कंपेरेटिवली इजी था पेपर 2 के मुकाबले। इसमें केमिस्ट्री के 10 इजी क्वेश्चन थे, मैथ के 13 क्वेश्चन इजी थे और फिजिक्स के 16 क्वेश्चन इजी थे। कुल 39 क्वेश्चन इजी थे, यानी 156 मार्क्स के इजी क्वेश्चन थे, जबकि मीडियम लेवल के फिजिक्स में 7, मैथ्स में 10 और केमिस्ट्री में 11 थे। जबकि इसी तरह का डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में डिफिकल्ट थे, 2 मैथमेटिक्स में थे और 2 फिजिक्स में थे। यानी कुल 8 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट थे जिसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसी तरह से ये इजी, मीडियम और डिफिकल्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक टीचर्स की कमेटी, एक टीचर्स के ग्रुप ने इसको इजी, डिफिकल्ट और मीडियम लेवल दिया है, तो बड़े सारे बच्चों को ध्यान में रख के निकाला है कि कौन सा इजी होगा, कौन सा मीडियम होगा, कौन सा डिफिकल्ट होगा। इसी तरह से शिफ्ट 2 में अगर आप देखें तो केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन और फिजिक्स में 13 क्वेश्चन इजी थे, यानी कुल 22 क्वेश्चन इजी थे। जबकि मीडियम लेवल पे 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 14 मैथमेटिक्स में और 8 फिजिक्स में थे, यानी 35 क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी में थे, जबकि डिफिकल्ट की कैटेगरी में 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, यानी 18 क्वेश्चन थे। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले में सिर्फ 8 डिफिकल्ट थे, दूसरे में 18 डिफिकल्ट थे। पहले शिफ्ट में 39 इजी क्वेश्चन थे, जबकि दूसरे क्वेश्चन में, शिफ्ट में 22 इजी क्वेश्चन थे। तो इसको देखने से ये तो कम से कम पता चल रहा है कि दूसरा जो शिफ्ट था वो डिफिकल्ट है। यानी ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि आपका कोई शिफ्ट डिफिकल्ट हो सकता है या इजी हो सकता है। बट क्या इससे वाकई में फर्क पड़ेगा कि इजी और डिफिकल्ट होने से क्या हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ता है? कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इजी पेपर हुआ तो उनके ज्यादा नंबर आ गए, हमारा डिफिकल्ट हुआ तो हमें कम नंबर मिल गए, है ना? ये सोचते हैं कि हमारा किस्मत खराब था कि हमें डिफिकल्ट पेपर मिला। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एनटीए ने एक बड़ा ही सुंदर तरीका से इसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस निकाला है और उसके आधार पर जो डिफिकल्ट पेपर हो या इजी पेपर हो, सबको एक वेट दिया जाता है और उस वेट के आधार पर परसेंटाइल में कन्वर्ट करके मार्क्स निकाला जाता है। तो हो सकता है कि जिसका इजी पेपर आया है उसके 180 मार्क्स आए और एक दूसरा स्टूडेंट जिसका डिफिकल्ट कंपेरेटिवली पेपर आया है उसके 160 मार्क्स आए। ये पूरी पूरी संभावना बनती है कि जिसके 160 आए हैं उसका रैंक ऊपर हो सकता है, उसकी परसेंटाइल ऊपर हो सकती है, और जिसका 180 आया है उसकी परसेंटाइल हो सकता है कि नीचे हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी को जारी रखना है। यानी डिफिकल्ट हो या इजी हो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चाहे वो पेपर डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो, डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस अधिकतम लेवल पर देनी है, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देनी है और बेहतरीन परफॉर्मेंस जो आपसे हो सकता है उस समय वो आपको देनी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर डिफिकल्ट और इजी को देखें सेगमेंट वाइज, तो क्वेश्चन वाइज डिफिकल्टी लेवल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के इस प्रकार से हैं और इस प्रकार से इसको डिफिकल्ट और इजी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इजी और डिफिकल्टी लेवल। अब मार्क्स वाइज अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 16 नंबर का केमिस्ट्री में डिफिकल्ट था, फर्स्ट शिफ्ट में केमिस्ट्री कंपेरेटिवली डिफिकल्ट था, लेकिन बाकी के जो एग्जाम हुए उसमें केमिस्ट्री इजी था और केमिस्ट्री हमेशा से इजी रहता है।
मैथमेटिक्स हमेशा से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और फिजिक्स कभी कभी किसी किसी पेपर में डिफिकल्ट रहता है। तो आपको ये इजी और डिफिकल्ट से ऊपर उठ के तैयारी करनी चाहिए। और अगर हम ये कहें कि इजी मॉडरेट और डिफिकल्टी के लेवल पे डिफिकल्टी लेवल कितना है, 1 से 3 के बीच में अगर नंबर दिए जाएं तो 3 को डिफिकल्ट माना जाए, 2 को मॉडरेट माना जाए, 1 को इजी माना जाए, तो ये कह सकते हैं कि पहले शिफ्ट के पेपर जो थे उनके डिफिकल्टी लेवल इस तरह थी, दूसरे शिफ्ट के पेपर की डिफिकल्टी लेवल इस तरह की थी, और आपको साफ साफ इसमें पता चल रहा है कि दूसरा शिफ्ट का जो पेपर था वो पहले शिफ्ट के पेपर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तैयारी। ये एक पेपर का आपको रफली आइडिया मिल गया कि किस तरह का पेपर आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पे वाइज अगर देखें तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में, दोनों में साथ साथ क्वेश्चन आए, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक ही क्वेश्चन आए हैं, और जबकि दूसरे शिफ्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 और करंट अल्टरनेटिंग करंट के 2 क्वेश्चन आए हैं। इसी तरह से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पहले शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए हैं, दूसरे में 3 क्वेश्चन आए हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 या 2 आगे पीछे हो सकते हैं किसी चैप्टर से, लेकिन क्वेश्चन होते हैं। किसी किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं। मैकेनिक्स से पहले में 6 आए हैं, दूसरे में 8 आए हैं। इसको थोड़ा बड़ा ही मुश्किल होता है कि किसी क्वेश्चन को पर्टिकुलर सेगमेंट में सेग्रीगेट कर देना। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक चैप्टर के कंसेप्ट लगते हैं, तो उसको किस चैप्टर में रखा जाए ये लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हमने उसको फिर भी जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस की बेसिक कंसेप्ट होती है उसी में रखा है, बाद वाले कंसेप्ट के हिसाब से नहीं डिसाइड किया है। इसी तरह से मैकेनिक्स का आप देख सकते हैं ओवरऑल पेपर कैसे है, और मॉडर्न फिजिक्स में 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान सा सेगमेंट होता है। 12th के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे निश्चित रूप से इसको तैयार करें, और इसमें 4 क्वेश्चन आते आए हैं दोनों शिफ्ट में, लगभग लगभग हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस के आसपास आए हैं। ऑप्टिक्स बहुत लंबा है, लोग उसको खूब मेहनत करके तैयारी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की दृष्टि से इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। हालांकि तब भी पहले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, दूसरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं, वेव ऑप्टिक्स से 2 और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, नीरे ऑप्टिक्स से 1-1 क्वेश्चन आए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव जो है इससे 1-1 क्वेश्चन आए हैं। इसी तरह से अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सेगमेंट देख सकते हैं, आप इसको देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से एरिया से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। जो एरिया आपके लिए अभी तक अनोन है या अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया उसको आप छोड़ सकते हैं, जो उसमें से जो इजी एरिया है उसको आप बहुत ज्यादा, अगर ऐसा छोड़ने वाली नौबत आ रही है तो जो इजी एरिया है उसको आप ग्रहण थोड़ा तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान होता है, और इस बार थोड़ा सा मुश्किल लोगों को ऐसे इसलिए लगा है केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक और फिजिकल के पोर्शन थोड़े से डिफिकल्ट थे। इनऑर्गेनिक कंपैरेटिवली हमेशा ही आसान होता है। एनसीईआरटी की किताब पढ़ लेने से बात बन जाती है जेई मेन के लिए। एनसीईआरटी को खूब अच्छी तरह से पढ़े, और पढ़ने के बाद ये देखिए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो डिस्ट्रीब्यूशन है पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के, वो इस तरीके से है। जीओसी से पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, दूसरे में नहीं पूछे गए, ये इस बात का संकेत है कि किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट से, चैप्टर से क्वेश्चन हर एक में हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी उस चैप्टर को स्किप भी किया जा सकता है। अल्काइल हेलाइड, अल्कोहल ईथर, इन सब चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन है। एरोमेटिक कंपाउंड से 1-1 क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन है पहले शिफ्ट में, जबकि दूसरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। इसी तरह से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1-1 क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सबको तैयार करना ही चाहिए। ये आसान सा टॉपिक है, लेकिन 1 क्वेश्चन श्योर इससे हर एक शिफ्ट में लगभग आए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के 1-1 क्वेश्चन है। मोल कंसेप्ट के पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जबकि दूसरे में 1 क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के भी 1-1 क्वेश्चन है। तो आप इनको देख करके ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग यही रहेगा। आप जो चैप्टर अभी तक नहीं तैयार कर पाए हैं उनमें से अगर बहुत ज्यादा इनकी संख्या है तो उनमें से उन चैप्टर को सिलेक्ट कर लें जो आसानी से आप कर सकते हैं और अगले 8 और 10 दिन में ही पढ़ सकते हैं। हालांकि अगले 8 दिन बोर्ड के एग्जामिनेशन है, 7 तारीख के बाद जो समय मिलेगा और 17 तारीख के बीच में, इनमें उनको निपटाएं, और मैथ की तैयारी थोड़ा आसानी से आप कर सकते हैं बोर्ड के लिए, आखिरी के 1-2 दिन बचा के रखें, और उसके बाद कंप्यूटर का एग्जाम है।
देयर आफ्टर आप सिर्फ और सिर्फ नया कुछ भी ना पढ़ें, बल्कि जो भी आपने पढ़ लिया है उसको कंसोलिडेट करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, और ताकि उससे क्वेश्चन अगर आए तो आप कर सकें। नया चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स पे बात करते हैं। मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम से पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, दूसरे में दो आए, कॉम्प्लेक्स नंबर से के क्वेश्चन आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तीन क्वेश्चन आए, स्ट्रेट लाइन से पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, इस बार एक एक क्वेश्चन ही आए हैं। कॉनिक सेक्शन से दो क्वेश्चन आए थे पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था, एक सर्कल से आया था। इसी तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो उसमें लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, पहले शिफ्ट में दो, दूसरे में एक आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक, तो दूसरे शिफ्ट में दो आए हैं। फंक्शन के उसी तरह से पहले शिफ्ट में एक, दूसरे में दो आए हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे पहले शिफ्ट में दो, दूसरे में एक आए हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रल से क्वेश्चन नहीं आते, बट उसके एप्लीकेशन होते हैं, बेसिक तो वही से सीखते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। डिफरेंशियल इक्वेशन के एक क्वेश्चन पहले शिफ्ट में, दूसरे में दो आए हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के दो क्वेश्चन हैं जो बहुत आसान है, ट्वेल्थ के आप स्टूडेंट हैं तैयार करेंगे तो आपका बोर्ड का भी तैयार हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसको अच्छे से तैयारी कर लें। परमुटेशन कम्बिनेशन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन आता है जबकि लेंथी बहुत है, तब भी क्वेश्चन करने की कोई गारंटी नहीं होती। कंसेप्ट बहुत है, प्रोबेबिलिटी से एक ही क्वेश्चन है जिसमें आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका काम चल जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज फिर बहुत आसान सा टॉपिक है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसको आप याद रखें। दो क्वेश्चन इससे हर एक पेपर में लगभग आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, जबकि किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आए हैं, पहले में नहीं आए थे। ट्रिग्नोमेट्री आप छोड़ सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन मुश्किल से आ रहा है किसी किसी सेगमेंट में, किसी में नहीं भी आ रहा है। वेक्टर 3D बहुत आसान टॉपिक है, ट्वेल्थ का भी है, इसलिए उसे अच्छी तरह से तैयार करें। दो क्वेश्चन श्योरली एक वेक्टर 3D से आना है। इसी प्रकार से मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स से एक एक क्वेश्चन श्योर है, दोनों ही आसान टॉपिक है। अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। कुछ बच्चे इसको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि ये JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं है, तो इसको तैयार नहीं करते हैं यूजुअली, लेकिन आपसे ये है उम्मीद कि आप इसको तैयार कर लें। ये एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है 4% मार्क्स उस सब्जेक्ट में कम लाना, और दो क्वेश्चन का मतलब 8% है, तो 8% में बहुत आगे रैंक जा सकता है। छोटे छोटे टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स में मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन है, अधिकतम 40 क्वेश्चन, जिनको आप तैयार कर लें तो आपका ये क्वेश्चन परफेक्ट है। बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें आते नहीं है। इसी तरह से मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है वो आप अच्छी तरह से थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे, 2-4 घंटे की तैयारी की जरूरत है, आप निश्चित रूप से इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो हो गई परफॉर्मा की बात। अब आपका टारगेट एरिया क्या होगी ये आप स्वयं डिसाइड करें, और कुछ चैप्टर को आप छोड़ दें। माइंड मेकअप ऐसा करें कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए। आप दिमाग में ये रखें कि हमसे 10 से 15 क्वेश्चन नहीं होंगे, और इसलिए ये आपको कूल रखने में मदद करेगा कि आप एग्जाम के दौरान पैनिक नहीं होंगे। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, अगर आपने सोच के गए हैं कि मैं पूरा पेपर करके आऊंगा तो आप पैनिक हो जाएंगे कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप सोच के गए हैं कि मेरे 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं या 10 छूटने हैं, तो आप सोचेंगे कि 3 क्वेश्चन तो छोड़ दिया, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे के आ रहे होंगे, आएंगे, पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको 10 छोड़ना है। तो ये दिमाग में मेकअप करके जाएं कि हम 10 से 15 क्वेश्चन हो सकता है कि हमें ना आए, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने उम्मीद किया कि हम 65 सॉल्व करके आएंगे और 68 कर लिए, 70 कर लिए, तो और खुशी की बात है। लेकिन अगर आपने ये टारगेट बनाया कि हम 75 करके आएंगे या 72 करके आएंगे, और अगर आपने 70 भी किया तो उस समय आपको तकलीफ होगी, और हो सकता है कि वो न कर पाए, वो टारगेट पूरा न कर पाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब एक दो क्वेश्चन नहीं होते, दो चार नहीं होते, तो स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और उनको आते हुए क्वेश्चन में भी बहुत सारे सिल्ली मिस्टेक हो जाते हैं। सो थोड़ा कूल रहना एग्जाम के टाइम में, और 21 तारीख को जब आपका कंप्यूटर का पेपर हो जाए तो उस दिन के बाद से आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए, नया इन द सेंस कि नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, नया नॉलेज तो एक्वायर करना ही है। वो कैसे करना है इसकी स्ट्रेटजी हम बताते हैं, यही रामबाण है जो आपके मार्क्स को निश्चित रूप से एक्सेलरेट करेगा। ये क्या है,
कि आप 21 तारीख के बाद से रोज एक पेपर कम से कम करें डेली। और ये पेपर कहाँ से लेंगे? ये पेपर पिछले साल जो आए थे 14 पेपर वो हैं, इस साल के 6-7 पेपर हैं वो हैं, 8 पेपर उनको आप मिला लें, और ये 22 पेपर अगर आप करेंगे तो आपको इनमें से 22 में से 15-16 तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और इनमें जो इनके मार्क्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, चूंकि ये सारी टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख पाएंगे कि जो एनटीए की साइट है उस पर पिछले साल के पेपर हैं, आप उसको देख करके करें। और स्कोर के बाद आप निगेटिव मार्किंग जरूर नोट करें, और हर एक पेपर में कोशिश करें कि निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज किया जा सके। बिल्कुल खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे ही आप निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करना शुरू कर देंगे, और ये पेपर इसलिए करना जरूरी है कि आप ऐसे अगर घर में पढ़ते हैं तो एक ही सब्जेक्ट के, जैसे मान लीजिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स लिया, उसके कई सारे क्वेश्चन आप करना शुरू कर दिए, एक लगातार 3-4-5 क्वेश्चन करने के बाद माइंड आपका ट्रेंड हो जाता है, फॉर्मूला दिमाग में याद हो जाता है, कंसेप्ट सारे घूमने लग जाते हैं, तो आप क्वेश्चन बड़ी तेजी से कर पाते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन ऑप्टिक्स का होगा, उसके अगला जो होगा वो किसी और का होगा, ईएमआई का होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो शिफ्टिंग है तुरंत के तुरंत दिमाग की, वो करना बहुत जरूरी है। और शिफ्टिंग करने के लिए इस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। अगर ये ट्रेनिंग पेपर के जरिए ही हो पाएगी, इसलिए पेपर देना बहुत जरूरी है। और पेपर अगर आप देते हैं लगातार, तो ये माइंड ट्रेन हो जाएगा कि लगातार एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट पे, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे कैसे शिफ्ट हुआ जाता है। और जितनी तेजी से आप शिफ्ट कर पाएंगे, उतनी ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि निगेटिव मार्किंग कम से कम हो। जिस क्वेश्चन पे आप श्योर हैं उसी क्वेश्चन को करना चाहिए, और जिस पे आपको डाउटफुल लगता है उस क्वेश्चन को छोड़ देने में भलाई है। आप बिल्कुल ही नहीं आता, अगर दो लगता है कि बिल्कुल नहीं होगा, दो में आपको डाउट है, तो आप गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें तो करना ही चाहिए, जो भी आपको आता है वो कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन निगेटिव मार्किंग से बचे। और उम्मीद है कि ये सब अगर आपने स्ट्रेटजी अप्लाई किया और 15-20 पेपर अगर आपने कर लिया, कम से कम 15, तो आपके मार्क्स में 20-30% का ग्रोथ निश्चित रूप से आएगा। तो उम्मीद है कि आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। और फिर पेपर करने के बाद प्रतिदिन आप क्या करें कि जो क्वेश्चन, जो चैप्टर आपके टारगेट एरिया में है, और जो उसमें से क्वेश्चन जो नहीं आ रहे या जो गलत हो रहे हैं, उनको आप टेक्स्ट में जाके खोजिए कि ऐसा क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, और उसको दुरुस्त कीजिए। यानी पढ़ना तो है, लेकिन टेस्ट के बाद टेक्स्ट पे जाना है, न कि टेक्स्ट के बाद टेस्ट पे आना है। टेस्ट टू टेक्स्ट जाइए, और उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी धीरे धीरे। और रोज का मार्क्स आप नोट करेंगे, 2-2, 4-4 मार्क्स भी अगर रोज के बढ़ते गए, तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स में 20-30% का ग्रोथ हो ही जाएगा। तो इस बात के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, और एक अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।